वेलकम टू विद्या स्टडी। विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। देखो, पिछले वाले जो लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का पूरा बेसिक अपन ने पढ़ा था, और एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर वगैरह इनके सिंबल हो गए। और तो इस वाले जो लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर कॉन्फिग्रेशन। ट्रांजिस्टर को अलग अलग तरीके से अपन जो इसको अलग अलग तरीके से बायसिंग भी देंगे, और अलग अलग तरीके से कैसे अपन देखो, एक अपन इसमें रेफरेंस रखेंगे और एक रेफरेंस रख के अलग अलग तरीके से अपन इसको ऑपरेट करेंगे। तो देखो एक बार, जैसे ये कोई ट्रांजिस्टर है, बीजेटी। ट्रांजिस्टर को अपन बीजेटी भी बोलते हैं। बीजेटी क्या होता है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर मतलब होल और इलेक्ट्रॉन के कारण इनकी वजह से करंट फ्लो होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर। अब देखो एक बार, ये क्या हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। ये अपने पास हो गया रेफरेंस। रेफरेंस एक को रेफरेंस मानना और बाकी दो को चेंज करना, इसको अपन बोलते हैं इनपुट, इनपुट नोड या इनपुट साइड, और ये हो गया अपना आउटपुट। अब देखो इसको अलग अलग तरीके से अपन करेंगे। अगर कलेक्टर को, अगर यहाँ पे ईमीटर को अगर अपन कॉमन रखते हैं, अगर अपन ने यहाँ पे ईमीटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस, और यहाँ पे क्या आ गया, कलेक्टर। मतलब क्या हो गया, अगर कॉमन किसको रखा अपन ने, कॉमन अगर अपन ने कलेक्टर को रखा, सॉरी ईमीटर को रखा, तो इसको बोलेंगे कॉमन ईमीटर। क्या बोलेंगे इसको, अगर ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं कॉमन ईमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट क्या हो गया, यहाँ पर इनपुट तो हो गया यहाँ पे बेस, और आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट हो गया यहाँ पे कलेक्टर। अगर यहाँ पे अपन ने कलेक्टर को रख दिया, तो यहाँ पे बेस तो हो गया इनपुट, और आउटपुट क्या हो जाएगा, ईमीटर। तो कॉमन कलेक्टर, देखो कलेक्टर क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया ना दोनों में, इनपुट और आउटपुट में, तो इसको बोलेंगे अपन कॉमन कलेक्टर। तो इनपुट क्या हो गया यहाँ पे बेस, और आउटपुट क्या हो गया यहाँ पर, ईमीटर। अगर अपन यहाँ पे बेस को रख देते हैं, क्या रख देते हैं, बेस को, तो ईमीटर हो जाएगा इनपुट और कलेक्टर हो जाएगा आउटपुट। सिंबल सा है, देखो एक बार, कॉमन बेस बोल देते हैं इसको, और ईमीटर हो गया इनपुट, और कलेक्टर हो गया आउटपुट। तो इस तरह से ये तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन आते हैं इसमें, कॉमन ईमीटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज में आता है, जो सबसे ज़्यादा जो उपयोग, जो इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में जो काम में लिया जाता है, वो है कॉमन ईमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कॉमन ईमीटर पे आएंगे न्यूमेरिकल्स। तो अपन इसका एक बार अपन देख लेते हैं, कॉमन ईमीटर ट्रांजिस्टर मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखो इसको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कॉमन ईमीटर का एक बार स्टैंडर्ड एक सर्किट डायग्राम एक बार आप जो देख लो, उसके बाद में ये होता कैसे है वो अपन एक बार देखेंगे। देखो स्टैंडर्ड कॉमन ईमीटर सर्किट डायग्राम, ये अपने पास क्या हो गया, एक बीजेटी अपन ले रहे हैं। देखो एक बार, यहां पर एक मिनट, ये अपने पास हो गया एक बीजेटी लिया अपन, यहां पे अपन ने टर्मिनल दे दिया सी, यहां पे दे दिया इसको। देखो ये एक ट्रांजिस्टर हो गया, ये वाला ट्रांजिस्टर है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, ईमीटर, इसको क्या बोल दिया अपन ने, बेस। और ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, देखो ये एरो बाहर की तरफ है, अगर एरो बाहर की तरफ हो तो ट्रांजिस्टर कौन सा हो जाएगा, उसको अपन बोलेंगे एनपीएन। देखो एनपीएन, अभी अपन ने पहले वाले लेक्चर में बात हुई थी अपनी एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे एक अपन ने रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको बोल देते हैं आरसी। यहाँ एक सप्लाई दे दी अपन ने, और ये ग्राउंड दे दिया, तो इसको बोलेंगे अपन वीसी। यहाँ पे एक अपन ने रेजिस्टेंस लगाया, इसको अपन ने क्या क्या बोल दिया अपन ने, आर बी।
और यहाँ पे अपन ने एक बेड सोर्स लगा दिया जिसको अपन ने बोल दिया VB, इसको अपन ने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। यहाँ पर भी एक अपन ने रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको अपन ने क्या बोल दिया, RE। अब देखो एक बार, इसके बीच में जो वोल्टेज है उसको अपन ने बोलेंगे VBE, और इसके बीच में जो वोल्टेज है V और C इसको बोलेंगे अपन VCE। तो ये क्या हो गया, ये एक अपने पास स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया, स्टैंडर्ड एक सर्किट डायग्राम हो गया कॉमन ईमीटर का। देखो आपको क्वेश्चंस करोगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसी से मतलब होना चाहिए। हाँ, बाकी और बहुत सारा है इसमें ट्रांजिस्टर में पढ़ने का, लेकिन आपको सिर्फ इसी से ही मतलब रखना है। अब देखो एक बार, अब ट्रांजिस्टर अलग अलग मोड में कार्य करता है, जो अपन ने पढ़ा था ना, एक्टिव मोड, एक्टिव, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कट ऑफ और सेचुरेशन। तो देखो एक बार कि रीजन ऑफ ऑपरेशन, मतलब ट्रांजिस्टर किस रीजन में कार्य करेगा, एक्टिव रीजन में करेगा, कट ऑफ रीजन में करेगा या सेचुरेशन रीजन में, तो उसके लिए अपना एक, मैं आपको यहाँ पे एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप एक इसकी एक प्रोसेस बताऊँगा, उसके बाद में अपन एक न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो पिछले साल जो 2016 का जो पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसमें ये न्यूमेरिकल आया है आपको, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। देखो रीजन ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर किस रीजन में कार्य कर रहा है इसका। देखो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, अगर अपने पास कोई सर्किट दे रखा है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को यह मानना है कि ट्रांजिस्टर सेचुरेशन मोड में कार्य कर रहा है। सबसे पहले क्या, अज्यूम ट्रांजिस्टर इज इन सेचुरेशन मोड। क्या करना है, सबसे पहले अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना, ये अज्यूम करना है कि ट्रांजिस्टर किस में है, सेचुरेशन मोड में। उसके बाद में देखो, अगर ट्रांजिस्टर सेचुरेशन मोड में है तो इस VBE को क्या लिखेंगे अपन, VBE को अगर सिलिकन है तो 0.8 वोल्ट और जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट। समझ में आ गया आपको, क्या करना, पहली प्रोसेस क्या है कि VBE को कितना मानना, 0.8 और इसको सिलिकन जर्मेनियम है तो 0.3। लेकिन आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिलिकन के आएंगे, इसलिए ये वाला ध्यान रखना। VCE को कितना मानना, अगर सिलिकन है तो 0.2 वोल्ट और जर्मेनियम है तो 0.1 वोल्ट, ये अपने को ध्यान देना। स्टेप सेकंड क्या है, देखो ये वाली वैल्यू पता लग गई, ये वाली वैल्यू पता लग गई, आर भी पता होगा, आर ई पता होगा, आर सी पता होगा, वी सी पता होगा, वी बी पता होगा, सब आपको पता है। तो क्या करना, यहाँ पे केवीएल लगाना और इधर आपको एक केवीएल लगाना है, और केवीएल लगा के अब देखो यहाँ पे मैंने बताया नहीं आपको, ध्यान रखना, यहाँ पे जो करंट आएगी वो कौन सी करंट आएगी, आई बी। यहाँ पे जो करंट आएगी, यहाँ से जो निकल के यहाँ पे करंट आएगी उसको क्या बोलेंगे अपन, आई सी। और यहाँ पे जो करंट आएगी इसके अंदर वो कौन सी करंट होगी, आई। आपको करना क्या है, आपको स्टेप सेकंड में क्या करना है कि VC और VB की वैल्यू रख के सैचुरेशन मोड में मान के उसके बाद में आपको IB एंड IC आपको पता करना है। क्या पता करना, IB और IC आपको कैसे पता करोगे, KVL से, KVL से। तो आई बी और आई सी पता करना, जो आपके पास जो आई सी आया है वो क्या है, आई सी सेचुरेशन है, ध्यान रखना आप, क्योंकि सेचुरेशन माना ना अपन ने, इसलिए अपन ने आई सी। स्टेप थर्ड क्या है, देखो ये मैं सारा बताऊंगा आपको, एक बार आप प्रोसेस लिख लो, एक बार इसको मैं इसको पूरा एक न्यूमेरिकल से आपको समझाऊंगा कि अपन एक न्यूमेरिकल लेंगे और उसके बाद में अपन पूरी प्रोसेस एक बार वापस लगाएंगे। ये स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड है कि अपने को आई बी मिनिमम निकालना है। स्टेप थर्ड क्या है, आई बी मिनिमम। आई बी मिनिमम क्या है, ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन में लाने के लिए कितनी मिनिमम बेस करंट चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए अपने को बेस करंट की, वो होता है आई बी मिनिमम। और आई बी मिनिमम कितना होता है, आई सी सेचुरेशन अपॉन
बीटा क्या होता है, आईसी सैचुरेशन अपॉन बीटा। बीटा आपको हर एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर का दिया होगा, एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है, ठीक। आई बी मिनिमम आ गया स्टेप। अब स्टेप फोर्थ में अपने को क्या करना है, आई बी और आई बी मिनिमम में कंपेरिजन करना है। कैसे, अगर आई बी मिनिमम से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, बीजेटी किस में हो जाएगा, सेचुरेशन रीजन में। अगर आई बी मिनिमम से कम है तो किस में हो जाएगा, एक्टिव रीजन में। अगर आई बी नेगेटिव है तो आई बी किस में हो जाएगा, कट ऑफ में। तो देखो अपने चार प्रोसेस है, चार प्रोसेस कैसे है देखो एक बार। पहली देखो फर्स्ट स्टेप में क्या मानना, बीजेटी को सेचुरेशन में मानना। सेकंड में क्या करना, देखो फर्स्ट स्टेप में इसको सेचुरेशन में मान के वी बी और वी सी की वैल्यू रख देना सिलिकन के हिसाब से या जर्मेनियम के हिसाब से। उसके बाद में सेकंड में क्या करना, आई बी और आई सी को इंडिपेंडेंटली फाइंड आउट करना के वी एल रूल से। स्टेप थर्ड में क्या करना, आई बी मिनिमम निकालना। और स्टेप फोर्थ में क्या करना, आई बी और आई बी मिनिमम से कंपेयर करना। तो देखो एक बार आई बी और आई बी मिनिमम से अपन कंपेयर करेंगे तो तीन कंडीशन बनेगी, और ये जो तीन कंडीशंस है वो आपका ये डिसाइड करेगी कि आपका बीजेटी किस मोड में या किस रीजन में है। तो ठीक है बच्चों, इसमें आपको ये बात पता लग गई। तो अब अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में अपन देखेंगे कि ये जो चारों स्टेप कैसे इंप्लीमेंट होती है। तो ठीक है चलो अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। चलो बच्चों एक बार अपन देखते हैं, जो मैंने पहले आपको रीजन ऑफ ऑपरेशन बताया था उसका अपन देखो एक बार इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं, ताकि एक बार आपको एक आइडिया पे क्लियर हो जाए कि इसमें कि ये जो मैंने स्टेप बताई थी वन बाई वन वो है क्या एक्चुअल में। देखो ये एक आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको ये पूछा है कि इसका रीजन ऑफ ऑपरेशन बताओ। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन बताने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये एक आपको स्टैंडर्ड सर्किट दे रखा है। आपको रीजन ऑफ ऑपरेशन बताने के लिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या करनी है आपको, कि लेट ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन मोड। सबसे पहले ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में मानना है। उसके बाद में वीबी, देखो वीबी को अपन ने कितना मान लिया, 0.8। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा कि ये सिलिकन है या जर्मेनियम है तो बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे आप, सिलिकन मानोगे। वीसीई को कितना मान लिया, 0.2। ये मानने के बाद में क्या करना, स्टेप सेकंड क्या था आपको, आई बी और आई सी की वैल्यू निकालनी है इंडिपेंडेंटली, मतलब आई बी अलग निकालना है और आई सी अलग निकालना है। तो देखो एक बार इधर इसमें पूरा आपने क्या लगाया, के वी एल लगाया। तो के वी एल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो -5 वोल्ट प्लस, देखो यहाँ पे करंट क्या जा रही है, यहाँ पे आई बी करंट जा रही है, यहाँ पे आई सी करंट आ रही है। तो इसमें अपन लगाएंगे तो क्या जाएगा, आई बी बराबर 5 - VB / 50। तो आपने आई बी की वैल्यू ये आ गई। देखो के वी एल और के सी एल वो लगाना आपको, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन अलग से ये आएगा के वी एल और के सी एल, वहाँ पे आपको एक बार पूरा डीप में बताऊंगा कैसे आपने के वी एल लगाना है के सी एल। बस एक बार यहाँ पे ध्यान रखना है आपको के वी एल लगाना है। आई सी निकालने के लिए अपने क्या किया, देखो एक बार यहाँ पे जब अपन के वी एल लगाएंगे -10 वोल्ट आई सी (3K) प्लस 2 वोल्ट बराबर 0। यहाँ पर ने पूरा के वी एल लगाया, के वी एल लगाने के बाद में अपने आई सी की वैल्यू क्या आ गई, 3.27 mA। अब देखो स्टेप थर्ड क्या था, मिनिमम बेस करंट निकालनी है कि ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन मोड में लाने के लिए। तो ये अपन ने फॉर्मूला यही था अपना, आई सी सेचुरेशन अपन बीटा। बीटा अपने को कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। देखो बीटा यहाँ पे दे रखा अपने को 100। बीटा क्या है, यहाँ पे बीटा है एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कितना एम्पलीफाई कर रहा है ये। यहाँ पे अपन निकालो तो आई बी मिनिमम अपना कितना आया, 0.0327। अब अपने को क्या करना है, आई बी को आई बी मिनिमम से कंपेरिजन करना है। अगर आई बी मिनिमम से ज़्यादा है तो ट्रांजिस्टर किस में है, सेचुरेशन में। अदरवाइज अगर ये कम होता तो, अगर ये आई बी मिनिमम से कम होता तो क्या हो जा, क्या होता, ट्रांजिस्टर किस में हो जाता, एक्टिव मोड में। अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में हो जाता तो वापस अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ती। ये कैलकुलेशन अपनी अब सेचुरेशन में तो चल रहा है, देखो ये सेचुरेशन में तो यही आएगा। अगर ये एक्टिव मोड में होता तो अपने को वापस सारा मिटा के वापस इसको कैलकुलेशन करते, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये अपना जो न्यूमेरिकल से आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके ट्रांजिस्टर के एक दो क्वेश्चंस अपन जब मैं इसका क्वेश्चन सेट बनाऊंगा, जो इसका क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगा इसका सेमीकंडक्टर का, उसमें मैं जो लूँगा, और वीडियोस देखते रहें और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो और इसमें जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ताकि जो नए वीडियो जाए उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, धन्यवाद।